हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। चले जी, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इन केस इफ एनीवन इज़ हैविंग अ बैड डे, तो ये छोटा सा डांस वीडियो उनके लिए है। एंड आई एम हियर आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेज। इनफैक्ट 4 दिन बाद मैं जो है वो प्रॉपर एक ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई वॉज सुपर डुपर बिजी। मेरे फादर इन लॉ आए हैं पाकिस्तान से। आफ्टर 2 ईयर्स मैं उनसे मिल रही हूँ और वो पहली बार उन्होंने रूहान को देखा है, उनसे मिले हैं। तो एक घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ बना हुआ था। दादा और जो है वो पोते की प्यार लाड़ियाँ चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई आपके घर में आता है, इवन तो कोई गेस्ट भी आता है, तो आपका रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब उनके पसंद के खाना पीना सब कुछ, तो उनका ख्याल रखना। तो बस मैं इसी में मसरूफ़ थी। मुझे था कि मुझे जो कुछ भी अच्छा अच्छा आता है तो मैं उनको बना के खिलाऊँ। तो बस अभी यहाँ पर फ़िश निकाली भी थी। ये फ़िश मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी, तो काफ़ी प्यारी सी फ़िश है, एक रोज़ गोल्ड कलर की है। तो मैंने अपनी काम वाली को बोला कि तुम इसको जो है वो बना दो मछली को, जिसे पाकिस्तान में तो हम ख़रीदते हैं तो वो हमें बना कर दे देते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पर आप परचेज़ करो फ्रेश फ़िश और फिर आप खुद ही घर में ना उसको बनाओ। तो ये फ्रेश फ़िश है, ये मेरी जो है मेड ना इसको बना रही है। और ये आएगी 2-3 दिन की वीडियोस हैं मेरे पास, जो मैं एक व्लॉग में असेंबल कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज सो बिजी। प्रॉपर दिन की मैं एक प्रॉपर व्लॉग नहीं शूट कर सकी। तो यहाँ पर बस मैं रूहान के लिए वाइट पास्ता बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, हेल्दी भी होता है। एज़ यूजल जैसे आप नॉर्मली पास्ता बॉयल करते हैं, आप उसको बॉयल करें। और सॉस के लिए कोई से भी बटर ले लें, आप बटर की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा चलो बटर में बना देते हैं। तो बस ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर लिया है। उसमें मैंने 1 क्लोव ऑफ गार्लिक को ना हल्का सा चॉप करके उसको मैंने इसमें हल्का सा इन्फ्यूज़ कर लेना है, लाइक खुशबू निकल जाए। और यहाँ मैदा है, मैदे को थोड़ा सा बस अंदाजे से ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैदे को आपने हल्का सा भूनना है इस बटर और गार्लिक के मिक्सचर में, ताकि इसकी जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, आपको फील हो कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो फिर आप इसमें मिल्क ऐड कर दें, जितना आपको सॉस चाहिए। क्योंकि मेरे पास खैर थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा ही मिल्क डाला है, और ये थोड़ा सा चीज़ एक स्लाइस डाल दिया है। और ये इंग्रेडिएंट्स है जिसमें सॉल्ट है, थाइम है, चिकन पाउडर है और ब्लैक पेपर। थाइम की जगह ऑरिगानो भी डाल सकते हैं, बट मुझे जो लगता है थाइम का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको मिक्स करके अच्छा सा आपने उसको पकाना है कि सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। And here the sauce is ready. सॉस मेरा रेडी हो गया है, बस मैं इसके अंदर जो है वो बॉयल किए हुए मैकरोनीज ऐड कर दूँगी। Give it a good mix. और मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो फ़िश है इसका कलर कितना कोई खूबसूरत है, लाइक मेटालिक सा सिल्वर कलर है। उसने जो काटी है ना फ़िश, तो अब वो उसको वॉश करिए। मैंने कहा तुम वॉश कर लो, फिर मैं इसको जो है वो विनेगर वाटर में और बेसन में डिप करके रख दूँगी, ताकि मज़ीद इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर है इसका। और यहाँ पर मैं जो फ़िश थी वो उसको मैरिनेट कर रही हूँ। कोई ख़ास मसाला नहीं, अपना ही मसाला है। फ़िश पे तो आप कुछ भी लगाएं बड़े मज़े की लगती है। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, रेड पाउडर और सॉल्ट, अजवाइन है, ब्लैक पेपर है, चिकन पाउडर है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर है। इन सब चीज़ों को ना मिक्स करके थोड़ा सा चाट मसाला भी है, मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। और मुझे जो है वो एक बात याद आ गई अभी, काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना
वाईटी स्टूडियो ऑन किया ना, तो आई गॉट टू नो कि पहले भी खैर मुझे मालूम था कि पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम साउथ कोरिया एज़ वेल, सो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं काफ़ी डाउन थी, मतलब थोड़ी थकी हुई थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग एडिट करने की। काफ़ी टाइम से जो है वो क्लिप्स बनाए हुए थे, तो बस वॉइस ओवर भी अगर आप नोट करें तो स्टार्ट में काफ़ी डाउन वॉइस है मेरी, और अभी थोड़ी बेहतर है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइम में मैंने एडिट किए हुए हैं। तो यार थैंक यू सो मच हु आर वॉचिंग मी फ्रॉम साउथ कोरिया, आई लव देयर किमची। तो जी ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं, मेरी बर्थडे थी और हम लोग बाहर निकले हुए थे और थोड़ी सी आउटिंग की हमने, और अब हम जो है वो जा रहे हैं डिनर के लिए, बर्थडे डिनर के लिए। तो व्लॉगिंग इतनी भी आसान नहीं है जितनी मैं समझ रही थी। मैंने सोचा कि मैं चलें उतरते हुए क्लिप बनाती हूँ, तो मैं उतर रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड की जो गाड़ी है उसका डोर ही जो है पिलर पे लगा दिया तो वो भी हंस रहे थे, तो मैंने कहा रुके रुके शॉट सही नहीं आया, मैं दोबारा से बंद करके खोलूँगी। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं और रूहान बहुत ज़्यादा खुश था, अपना यहाँ पर स्नेक फ्रेंड भी बनाया था, तो हम यहाँ पर बस ऑर्डर करेंगे। अच्छा वैसे पोर्चुगीज स्टेक्स बहुत यमी होते हैं, मतलब इनका प्रॉपर फूड जो है ना वो बहुत यमी होता है। स्टेक्स ग्रिल स्टेक विद ब्लैक बीन्स, ना टी बोन ग्रिल आलू में। शुरू मुझे पोर्चुगीज़ समझ नहीं लगती थी, क्या बोल रहे हैं क्या है ये सब कुछ, लेकिन अब तो खैर पढ़ भी लेती हूँ समझ में आ जाती है, तो मतलब यस प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। और हम इस वक्त अभी टॉप पर हैं और यहाँ पर इन्होंने ओपन एयर एरिया बनाया हुआ है जो स्मोक करते हैं ना उनके लिए। रूहान रो रहा था तो उसको लेके जिशान यहाँ पर आके थे इसे दिखाने के लिए, हमने कहा चले देखते हैं इतने ऊंचाई से कैसा व्यू नज़र आता है। रूहान जिशान को वहाँ लेके गए कि मुझे यहाँ पे चूचू लगा के दे, आई मीन कार्टून आजकल के बच्चे, ओह माय गॉड। एंड द फूड इज हियर, मैंने मंगाया था बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस एंड उनका पता नहीं क्या था, कुछ पोर्चुगीज नेम था लेकिन बहुत यमी था। एंड द मेन थिंग बहुत यमी प्रॉन्स होते हैं, इसको सैवेज दी कमराओ कहते हैं लेकिन बहुत यमी होते हैं, बटर के अंदर आई गेस बेक्ड होते हैं या कुकड होते हैं आई डोंट नो, बट बहुत यमी। और वो जो पीछे पिक्चर थी वो मेरी बहन ने मेरे अबू के हाथ गिफ्ट भेजा था मेरे बर्थडे का, बहुत प्यारा ड्रेस था, बैग था और ज्वेलरी थी, तो थैंक यू सो मच, यहाँ पर भी मैं उसको कह देती हूँ। और यार नेक्स्ट मॉर्निंग की है ये, यहाँ पर मैं रसमलाई बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो छोटी शूट कर लेती हूँ कि मिल्क पाउडर है इसके अंदर, बेकिंग पाउडर मैंने लिया था, कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर लिया था, 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था और एक एग बीट करके मैंने उससे इसकी ना डो बनाई है। और यहाँ पर जो दूध है रसमलाई का वो पक रहा है, जिसमें मैंने ज़ाफ़रान, इलायची का पाउडर और शुगर डाल के ना उसको पहले बॉयल करके इसमें ऐड किया है, वो पक रहा है, थोड़ा सा अच्छा सा कर जाए फिर मैंने इसकी ना मतलब जो बॉल्स बनानी है ना वो इंस्टेंट रसमलाई इसको कह लें, बड़ी अच्छी बनती है लेकिन बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसको भी बनाने के लिए, पहले तो नारी की बनती ही नहीं थी मुझसे।
ये इस तरीके का चाहिए होता है। फिर मैंने इसको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा हाथ को ग्रीसी करके ऑयल लगा के मैंने ना इसके हल्के बॉल्स बनानी है, बहुत लाइट हाथ से। लाइक आपने कोई गूंथना नहीं है, कोई बड़ा ही प्रेस करके इसकी बॉल्स नहीं बनानी, बल्कि हल्के हाथ से बनानी है। बस मैं बना लूँगी और फिर इसको मिल्क में ऐड कर दूँगी। तो ये झटपट से बन जाने वाली डिश है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात है ना। तो हस्बैंड को भी अच्छी लगती है मेरे बहुत, और अब्बू को तो बहुत पसंद आई थी, तो यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, 2-3 दिन के क्लिप्स थे जो कि बने हुए थे, मैंने कहा उसको जल्दी से मैं व्लॉग में डाल के ना जल्दी 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 वॉइस ओवर्स करके इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। तो जी आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव माई वीडियो अ थम्स अप। जब तक के लिए आप लोग ये रसमलाई इंजॉय करें, खाएँ, मज़े करें, खुश रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I haven't checked yet.